के। यदि मति को पवित्र करना है तो धन की गति इसमें ही है, उसको अच्छी जगह पर उसका विनिमय करना सीख लीजिए, उसको खर्च करना सीख लीजिए। धन में कमी तब आती है जब उसको भोगों के ऊपर खर्च किया जाता है। सत्कार्यों में खर्च करने से संपदा में आज तक कभी कमी नहीं आई। और सर पैसा ही देना यही दान नहीं है, आप टीचर्स हैं, ये योग्यता भगवान ने दी है, गरीब के बच्चों को पढ़ाइए, आपका कर्म आराधना बन जाएगा। आप डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को आप देखिए जो फीस नहीं अदा कर सकते, यह भी आपकी एक आराधना बन जाएगी। प्रकृति आपका इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आपके पास गाड़ियां घोड़े हैं, आपके पास टैक्सी का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, कहीं ऐसे लोग कभी आपको मिलते हैं उनको अस्पताल जाना है और वो नहीं दे सकते, ऐसे लोग आपको मिलते हैं रास्ते में आप गाड़ी से जा रहे हैं और वो बाहर खड़े हुए हैं और शकल तो बता देती है कि लूटने वाला खड़ा है या कोई सज्जन खड़ा है, और मुझे लगता है कि उसको आप कहीं ठिकाने से पहुंचा दो, एक बहुत बड़ा पुण्य, एक बहुत बड़ी, मुझे लगती है, लगता है बहुत बड़े दान की बात होगी। आप कहीं भी अपने आप को प्रयोग में ले सकते हैं। एक बार मैं गोवर्धन की, थोड़ा टाइम हो गया, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा था तो वहां कूड़ेदान रखे हुए थे, उस पर इंग्लिश में लिखा हुआ था प्लीज यूज मी, कृपया मुझे भी प्रयोग में लीजिए। एक कूड़ादान कहता है मुझे प्रयोग में लीजिए, लेकिन ये 6 फीट का इंसान कभी सोचता है क्या, ईश्वर कृपा कर दीजिए मैं प्रकृति के काम आऊं। जो लोग खाते ही हैं कुछ करते नहीं है, वो प्रकृति के ऊपर भार बन करके जीते हैं, भार बन के जी रहे हैं। जिस समय प्रभु राम लंका से लौट रहे थे, बंदरों की आंख में आंसू आ गए, रो पड़े, जब प्रभु राम ने कहा आपने इतना बड़ा काम किया, आप गिर गुहाओं के लिए जाइए, पुणे में आने वाले समय में कृष्ण बन करके आऊंगा, और उस समय तुम जितने भी ये बंदर भालू हो श्री व्रज में मेरे मित्र आकर के बनोगे, श्री नामा तोष प्रदोष मधुमंगल, ये सब त्रेता के बंदर ही तो थे, ये सब भगवान का पूरा मित्र मंडल वहां आ गया। वहां प्रभु श्री राम जी ने कहा तुम्हारे बल से मैंने रावण को जीता है। तब बंदरों ने क्या जवाब दिया, बंदरों ने कहा आज हमारा यह जन्म लेना सार्थक हो गया, क्यों, क्योंकि हम ईश्वर के काम आए हैं, इसलिए अधर्म को कुचलने के काम हम आए हैं। बंदरों ने क्या कहा है, बंदर कहते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का मतलब यही है वो अधर्म को कुचल करके रख दे, रावण मोह है, मोह के ऊपर विजय प्राप्त करके बताए, कुंभकर्ण अहंकार है, अभिमान के ऊपर विजय करके बताए, मेघनाद काम है, काम को जीत के बताए, सुपर्णखा दुर्वासना वासना है, वासना के ऊपर विजय प्राप्त करके बताए। महाराज यही तो उसका मनुष्य जीवन धारण करने की परपक्व सार्थकता है। सिर्फ रिंकू टिंकू और पिंटी को जन्म देके आज का जीवन तो ऐसा हो गया, इतवार को जन्मे, सोमवार को थोड़ा बड़े हो गए और मंगलवार को सगाई हो गई, बुधवार को बरात गई, गुरुवार को घरवाली आई, शुक्रवार को बंटी और बबलू का जन्म हो गया, शनिवार को बीमार हुआ, इतवार को अस्पताल में जाके प्राण छोड़ दिए। इतना सा जीवन है, इतना सा है जीवन। यहां आए हो कुछ करके जाइए। इस धरती पर बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो जिंदे होने पर भी मरे हुए थे, और बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो आज मृत्यु के बाद भी वो जिंदे हैं। अच्छे लोग कभी नहीं मरते,